हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट इज़ अ स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयुष। और जो हमारे 2 दिन के अब प्रैक्टिस सेशन बचे हैं, ठीक है। हालांकि आपका पेपर जो 24 को है, और आपका एडमिट कार्ड भी अब आ गया है, ठीक है। तो आप पूरी पूरी तैयारी करें, लेकिन जो वो कैब है वो पढ़ के जाएँ। मैं 24 तारीख को भी जो कोशिश होगी हमारी कि जो आपका वो कैब है वो सुबह सुबह ही डाल दें, जिससे कि आप पढ़ लें और मतलब आपके पेपर के दिन तक आप पढ़ के जाएँ। बिकॉज कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। जैसे देखा, धीरज सर ने आपको करवाया था आपका इंग्लिश का ऑफिशियल मॉक टेस्ट, जो वहाँ के वेबसाइट पे था। तो देखा था, ज़्यादातर जो मैंने पढ़ा दिया उसमें से आया, जैसे कंसील हो गया और आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, ज़्यादातर वहीं से आया है जो मैंने पढ़ाया। अगर आप शुरू से क्लास को याद करते हैं तो, यानी क्लास नंबर 1 से, तो मैं भी यही कहूँगा एक बार कि आप जो है सारी क्लासेस शुरू से लेके एंड तक एक बार रिपीट कर लें। बिकॉज 25 को जो है लास्ट क्लास अपलोड होगी, उसके बाद जो है आपका 1 महीने का सेशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई क्लास अपलोड नहीं होगी, और 25 को मैं ये जो है 3 4 वीडियो में तो ये पूरा हो ही जाएगा, जो जितने भी प्रीवियस ईयर के वो कैब हैं, ठीक है। चलिए, 2019 से 2021 तक के हैं। आज दूसरा सेशन है, कल पहला सेशन हुआ था, ठीक है। उसमें मैंने 35 क्वेश्चन करवाए थे, इसमें भी 35 लाया हूँ, तो टोटल 70 हो गया, और कुछ बचे हैं। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा जो भी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। तो 2019 से 21 में पेपर में जितने भी आए हैं ना, सारे एयरफोर्स के पेपर के सारे शिफ्ट होके मैं जो है लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, स्पेलिंग बतानी है। तो जो स्पेलिंग होती है, अब यहाँ पे पता है हमें कॉन्ट्रोवर्शियल कह रहे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब होता है मतलब जो एक वाइडली पैमाने पे, यानी बहुत बड़े पैमाने पे लोग जो होते हैं उसको डिसएग्री करते हैं। कोई स्टेटमेंट है उससे जो है डिसएग्री करते हैं, स्टेटमेंट है उससे डिसएग्री करते हैं, उसको जो है आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए। कंट्रोवर्शियल कहते हैं, नहीं आर्ग्यूमेंट एक तरह से आप वो भी कह सकते हैं, लड़ाई की वजह भी कह सकते हैं। कोई मतलब मैं चुप हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गया, है ना। मैं बस आपका रबर ढूंढ रहा था, कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, इरेज करने के लिए, कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। ये है इसकी सही स्पेलिंग, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका जो है वैसे अगर ऑप्शन नंबर 1 के मैं आपको थोड़े से सिनोनिम्स से लिखवाऊँ, तो ये होंगे आपके, एक तो हो जाएगा डिस्प्यूट, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट, जैसे कि आपको पता है लड़ाई, ठीक है। और फिर हो जाएगा एक कंटेंट, अरे कंटेंडेड, ठीक है, इसका भी मतलब सेम होता है। और अगर लिखाऊं तो कंटेंटियस, ओके। और या फिर एक ले लो आप, आज थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ये पॉलेमिक, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी होते हैं, जैसे कि आपका डिबेटेबल होता है, डिबेट विबेट तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, बिकॉज है ना। चलिए इस पे हम जो है थोड़ा सा फिगर करते हैं, क्या है ये एंडवर, है ना। स्पेलिंग देखते पता चल गया कि किसी एंडवर नामक शब्द के बारे में बोल रहा है। अब होता क्या है हमको तो नहीं मालूम, मतलब कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। ओके, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए है कि कुछ ट्राई टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए कोशिश करने को कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंडेवर। और जिसका स्पेलिंग होता है वो होता है ये, ठीक है, तो याद कर लेना। और इसके सिनोनिम्स बताऊं आपको तो होंगे ट्राई करना, पहला तो यही हो गया, ठीक है, लेबर, ओके। और सिनोनिम्स बताऊं तो अटेम्प्ट करना, जो कि आप पेपर देने जाएंगे तो वो आपका एक ट्राई होगा, अटेम्प्ट होगा, ठीक है, लेकिन वो आप मेहनत से दे के आएंगे। एम, स्ट्रगल, अनन्या पांडे वाला नहीं, आपका स्ट्रगल, ओके, ठीक है। चलिए वेंचर हो गया एक, तो और हो गया आपका अंडरटेक करना, है ना, अंडरटेक करना। और हाँ एक चीज़ याद आई मुझे, यार आप लोग इतना सीरियस क्यों हो जाते हो। मैंने मतलब मेरे दिमाग में एक आंकड़ा चल रहा था, वो 1.5 लाख का, वो तब का था ना जब आपका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हुआ था, तब का चल रहा था मेरे दिमाग में आंकड़ा। अब मैंने गलती से बोल दिया 1.5 लाख, तो बच्चे करने लगे, अरे सर क्या बोल रहे हो ये, मतलब मेरे को थोड़ा सा सर भी नहीं बोलते। अब मतलब कुछ बच्चे जो है सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है देख के, लेकिन बाकी तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, गलती से बोल दिया 7,49,000 ऐसे कुछ समथिंग है, 7,49,000 नहीं, 749 है ना, 7,49,800 कुछ करके
जो है टिल डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, टिल डेट इन द सेंस कि जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट था 5 तारीख तक तब का है। चलिए ठीक है, कंपटीशन तो तगड़ा ही है वैसे, ऑल इंडिया का टेस्ट है, तो देखते हैं क्या कट ऑफ आती है, क्या रहती है। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर ढूंढना है, सिनोनिम, वैलिडिकेशन, वैलिडिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को बाय बोलना, बाय का मतलब होता है फेयरवेल यानी अलविदा, ठीक है क्या, अलविदा, यहाँ पे ऐसे लिखवा देता हूँ मैं इंग्लिश हिंदी में, अलविदा, ठीक है। रेडिकल, रेडिकल मतलब जो होता है वो होता है नेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है, नेचर से रिलेटेड होता है, इतना मान, रिलेटेड टू नेचर। टू का तो बता दिया, थ्री का बताते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव का सबको मतलब पता है, नकारात्मक, साइंटिफिक का मतलब जो साइंस से जुड़ा हो, ठीक है, जो साइंस से जुड़ा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। क्लियर का मतलब क्लियर होता है, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड का जो मतलब होता है वो होता है उलझा हुआ, ठीक है, उलझा हुआ। चल क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब जो होता है यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं। इफेक्टिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम का। ओके, होपफुल का मतलब होता है आपका, होपफुल का तो मतलब आपका, कोगेंट का मतलब मैंने बताया था ना, क्लियर होता है ना, क्लियर होता है, कोगेंट का मतलब क्लियर, लॉजिकल या फिर कन्विंसिंग, और होपफुल का मतलब होता है मतलब जिसकी आशा हो, ये होता है होपफुल का मतलब। अक्वायर, अक्वायर का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अक्वायर्ड, ई के आगे डी लगा देना बस, ठीक है। और बाकी जो है, अक्वायरमेंट नाउन है, एक्विजिशन भी नाउन है, और अक्वायरर भी नाउन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्रेप्ड का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछ रहा है, एंटेंगल्ड, ठीक है, एंट्रेप्ड होता है बंद करना, किसी किसी को पकड़ लेना, तो एंटेंगल का भी मतलब यही होता है, किसी को पकड़ लेना, ठीक है। एंड सर्कल का मतलब क्या होता है, कहीं घूमना, ठीक है, ट्रैवल करना, एंड सर्कल का मतलब होता है ट्रैवल करना, बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करना। ऑप्शन नंबर 3 यानी एमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, किसी को जो है फ्री फ्रॉम, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाऊँ, मतलब मीनिंग लिखवाऊँ छोटी सी, फ्री फ्रॉम स्लेवरी यानी किसी को ना आज़ाद करना, ये मान लो किसी को जो आज़ाद करते हैं उसको कहते हैं इमेंसिपेशन। 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एंगल्फ मीन्स टू कवर विद अ फ्लड, ठीक है, इस एंगल्फ का मतलब होता है मतलब बाढ़ समेत रिलेटेड होता है, तो इतना याद रखना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ लव और एंड करेक्ट कलेक्ट सॉरी कलेक्टर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिब्लोफाइल, क्या कहते हैं, बिब्लोफाइल कहते हैं, बिनेलियन, बिनेलियन को सॉरी बाइनियन को कहते हैं, आपका जो 2 साल में कोई भी चीज एक बार होती है। अगर मैं इसको अच्छे से लिखवा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, है ना, अच्छे से लिखवा देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 डाल के, वंस इन अ 2 ईयर, इसे कहते हैं बाइनियन। ओके ऑप्शन नंबर 3 का लिखवाऊं तो क्या है, ब्लास्फेमी, इसका होता है किसी से, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी से डिसरिस्पेक्टफुली बात करना या फिर किसी से डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। ऑप्शन नंबर 4 यानी क्रेश, क्रेश का मतलब होता है नर्सरी करना, किसी को नर्स करना, ठीक है, जो नर्सिस होती हैं, जो चिल्ड्रन को नर्स करती हैं उनको कहते हैं आपका क्या बोलते हैं, क्रिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 9, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है तो यहाँ पे होगा कमेटी, कमेटी का मतलब सबको पता है क्या होता है, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड यही है, कमेटी का मतलब होता है ग्रुप होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्रुप होता है, एक डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है, ग्रुप होता है। सिमेट्री की स्पेलिंग जो है, अगर इसमें देखा जाए ना तो मतलब देखा जाए तो सिमेट्री की स्पेलिंग भी गलत नहीं है। ओके नहीं नहीं गलत है, सॉरी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। सिमेट्री की स्पेलिंग होती है सी मेट एरी, ठीक है, यहाँ पे ई आता है ए की जगह। ऑप्शन नंबर 2 में जो है आपका यहाँ पे ई के बाद जो है ना ए लगा देना, तो आपका कलीग बन जाएगा, और कमिंग में जो है डबल एम नहीं आता, सिंगल एम आता है। सिमेट्री जो होती है एक आपका क्या बोलते हैं उसे, शमशान कहते हैं, ठीक है, शमशान कहते हैं। कलीग होता है फ्रेंड, मान लीजिए वर्क, वर्क फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड फ्रॉम वर्क, जो आपका काम ऑफिस में जो आपके दोस्त बनते हैं उनको कलीग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें जो है करेक्टली ग्रामर है, ठीक है ना, क्योंकि इधर ए है, ये ई है तो गलत है, ठीक
ये बहुत उलझाने एकदम ट्रिकी स्पेलिंग होते हैं और ये हमेशा पूछते हैं हमेशा। और इसमें पता है कितने बच्चे खाली सही करके आते हैं, मात्र 27 से 35% बच्चे ही इसको सही करते हैं, क्योंकि बाकी सारे ना ई और ए के चक्कर में ई लगा देते हैं और वहीं पे जो है काम एकदम मतलब जो काम है खराब हो जाता है, कांडी बच्चे हैं कांड कर देते हैं है? तो 27 से 35% ही होता है इसका ज्यादातर, अगर अगर हम इसे खींचे तो 60% बच्चे ज्यादातर सही करते हैं बस इसका। और ऐसे अगर इसका रेशियो देखा जाए ना क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 96% होना चाहिए इसका, 96 भी नहीं 99% होना चाहिए, ठीक है 99% होना चाहिए, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इडियम्स बताना है। बी ऑफ टू माइंड्स, बी ऑफ टू माइंड्स का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप एक चीज खरीदना चाहते हो लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो कि हाँ भाई क्या खरीदूँ, जैसे कि मान लो आपके एक हाथ में ये फोन है ना, या आधा कटा हुआ सेब है, मतलब वो जो आधे कटे हुए सेब वाला फोन होता है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और एक हाथ में आपका ईंट वाला फोन है ना, तो जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं बी ऑफ टू माइंड्स, यानी अनेबल टू डिसाइड। ओके चलिए, इतना तो आपको पता चल गया ना क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। आप कुछ मेरा इसका भी मजाक उड़ाएंगे कि अरे आधा कटा हुआ सेव नहीं होता, क्या बोल रहे हो सर, फोन के नाम भी नहीं पता क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। चलिए, र्यूमर, र्यूमर का मतलब होता है झूठी बात फैलाना, तो और इसका क्या मतलब हो सकता है, होक्स, ठीक है झूठी बात फैलाने को कहते हैं होक्स। डिबेट का मतलब होता है आपको पता है, जवान लड़ाना जैसे कहते हैं उसे कहते हैं डिबेट। लेक्चर का मतलब होता है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ओरिटेशन का मतलब होता है आपका एक फॉर्मल स्पीच होती है, क्या होता है फॉर्मल स्पीच, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो ज़्यादा जरूरी है भी नहीं, मतलब जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड आता है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन था इससे रिलेटेड नहीं आता, ये ज़्यादातर पूछते नहीं, क्या पता इस बार पूछते हैं, कुछ भी हो सकता है। एंटोनिम, इनिशिएट का एंटोनिम क्या होता है, फिनिश। हाँ इससे एक और चीज़ याद आया, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट, एक मिनट में बता दूँ पहले क्या होता है, फिनिश का मतलब होता है एंड, ठीक है ये सारे इसके सिनोनिम है, और ट्रिगर एक अलग वर्ड है, लेकिन ट्रिगर का मतलब बता, ट्रिगर का मतलब होता है किसी को टारगेट करना, ठीक है ट्रिगर का मतलब होता है किसी को टारगेट करना। एक स्टूडेंट था उसका कमेंट आया था सर इतना इतना वोकैब थोड़ी आता है, तो देखिए सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है, और भी 2-3 हज़ार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है 2-3 हज़ार बच्चे हैं जो वीडियो को देखते हैं इंग्लिश की, यानी 2-3 हज़ार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से भी मुझे चलना पड़ता है, और सिर्फ आप पेपर नहीं देंगे, कहीं बच्चे पेपर देंगे तो क्या पता किसके क्वेश्चन में क्या फंस जाए, तो प्लीज मैं मतलब आपको एज अ ताना नहीं दे रहा हूँ, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ना थॉटफुल माइंड का बनिए, बार बार कहने की कोशिश मत करिए ठीक है, थॉटफुल माइंड का बनिए, सबके बारे में सोचिए। चलिए, नॉन फॉर्म ऑफ एडवर्स इज एडवर्सिटी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बिलीफ, बिलीफ का एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है ना वो होता है बिलीवेबल, ठीक है एफ हटा के क्या लगाना है, बी और एबल, ठीक है जो बिलीव है आपका है ना, बिलीव आपका नाउन है, एडजेक्टिव फॉर्म आपका ये हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, और जो आपका बिलीव है, बिलीव एक वर्ब है, बिलीवर एक नाउन है, और बिलीवेबिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है क्वालिटी किसके ऊपर बिलीव करा जाए। हिस्ट्रॉनिक, हिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है आपका जो मतलब इस, अगर मैं एज अ मीनिंग बताऊं हिस्ट्रॉनिक का, तो हिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है बिहेवियर से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेलोड्रामेटिक। ओके आपका बिहेवियर से ऊपर होता है, जब जहाँ पे आप जो थोड़ा सा ड्रामेटिक करते तो उसको कहते हैं, ठीक है। एंशंट का मतलब हिस्ट्री होता है, ह्यूमरस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है थोड़ा सा हंसाने वाली चीज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाफिंग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिनरी मतलब इमेजिनेशन, जो मतलब हम काल्पनिक, काल्पनिक भी कह सकते हैं। अ प्लेस वेयर, जहाँ पे इनको रखा जाता है सुकर को, तो उनको बोलते हैं स्टाय, ठीक है स्टाय, केज में पिंजरों में तो मतलब बहुत बर्ड्स को रखते हैं, हाइव वो तो मधुमक्खी का घर होता है खुद का है ना, छत्ता जिसे कहते हैं, और मिंट जो होता है वहाँ पे मनी जो है प्रिंट होता है, ठीक है मिंटिंग ऑफ मनी, जो जहाँ पे मनी प्रिंट होता है उसको कहते हैं मिंट, मिंट मतलब होता है जहाँ पे पैसे बनते हैं जो सिक्के होते हैं ना उसको,
उसको कहते हैं मेंट करना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स को बोलते हैं फ्लीट, क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ शिप्स को बोलते हैं फ्लीट। और जो आ, आ, हिरण का समूह होता है उसे कहते हैं बेवी। ओके सूट, सूट का मतलब होता है एक रूम जो कि फैमिली के लिए डिजाइन करा जाता है, ठीक है? ये वो वाला सूट नहीं है, सूट पैंट वाला सूट नहीं है, ये सूट है रूम से रिलेटेड, और आर्मी होती है मिलिट्री फोर्स। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड, तो एंगजाइटी, एंगजाइटी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है आपका ई आई की जगह आई ई कर दो तो आपको पता चल जाएगा। सेंसिटी जो होती है, सेंसिटी का मतलब होता है पवित्र, ठीक है? एक पवित्र बोल सकते हैं, सेक्रेड, ठीक है? वैरायटी, वैरायटी का मतलब जो होता है ऑप्शन ऑफ स्केयर्ड और सेक्रेड में फर्क मत करना, ठीक है? अलग अलग चीजें हैं, इसमें भी कुछ लोग जो है चुल करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ, ये मान लीजिए कि इसको, ये क्वालिटी से रिलेटेड है ना, वैरायटी जो है क्वालिटी से रिलेटेड है ना, बोलते हैं ना, अरे अलग अलग तरह की वैरायटीज हैं यहाँ पे तो। और प्योरिटी मतलब होता है शुद्धता, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे जो सही शब्द गलत शब्द है वो है बटालियन। बटालियन क्या होता है ना, सोल्जर्स का लार्ज ग्रुप होता है, और एक ही जगह जो है ओ लगा दो बस, ठीक है? क्या लगा दो? ओ। सफिशियंट का मतलब होता है इनफ, बस बहुत है। ट्रमेंडस का मतलब होता है आपका बिग या फिर लार्ज, ठीक है? ह्यूज, लार्ज, बिग, एक ही बात है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है दवाई लगवाना। क्वेश्चन नंबर 21, आपका इडियम बताना है एट सी। एट सी का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे क्या है, वन वर्ड कंपेटेबल का मतलब होता है, कंपेटेबल का मतलब होता है एग्रीएबल, ठीक है? क्या होता है? एग्रीएबल होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब्रप्ट, एक्सपेक्टेड, ठीक है? अब्रप्ट का अपोजिट क्या होगा? एक्सपेक्टेड। अब्रप्ट का मतलब होता है किसी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड हो जाएगा। सडन का मतलब होता है अचानक से। एम्पल का मतलब होता है इनफ, ठीक है? एम्पल का मतलब भी इनफ, इनफ होता है। और आपका एग्जैक्ट जो होता है, एग्जैक्ट का मतलब भी होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है आपका मतलब एकदम एग्जैक्टली वही चीज, ठीक है? 24। कंपेल का नाउन फॉर्म कंपल्शन, ठीक है? क्या होता है कंपल्शन? कंपल्शन एक एडजेक्टिव है, लेकिन सॉरी, कंपलेबल एक एडजेक्टिव है, कंपल्शन तो एक नाउन ही है। ओके कंपल्सिव जो है ये एक एडजेक्टिव है, कंपेल्ड जो है ये पास्ट टेंस है कंपेल का। क्या है? ये पास्ट टेंस है कंपेल का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। स्पेंड, स्पेंड का मतलब क्या होता है? स्पेंड का मतलब होता है एक्सपेंड, बोलते हैं ना एक्सपेंडिचर, ठीक है? उसका मतलब है कीप वन सील, तो इसका मतलब होता है कि हम देखते हैं ना, वंस का मतलब होता है ना अपना खुद का, ठीक है? यहाँ पे वंस का मतलब ये होता है, तो वंस का मतलब सॉरी हील्स का मतलब, जैसे जैसे हम खाली रहते हैं तो हम अपने पैर को ऐसे हिलाते नहीं और ठोकते हैं जमीन पे, तो वही चीज ये जो है बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, 12, ठीक है? 12th, सबको पता है इसकी स्पेलिंग, बार इसका मतलब होता है, अगर सरल भाषा में बोलो तो ये होता है 12th। बैरन, बैरन का बोलता है इनफर्टाइल, ठीक है? बैरन का क्या होता है? इनफर्टाइल होता है। ओके बोल्ड का मतलब होता है एकदम एक तरह से, जैसे कि मैंने बोल्ड कर रखा है ना, इसका मतलब यानी किसी को पॉइंट आउट करना। बर्सर्क का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल या फिर एंगर से रिलेटेड होता है। ओके बाइट जो है, बाइट जो है आपका, बाइट का मतलब बताऊं तो बाइट का मतलब होता है आपका किसी को मतलब कहीं पे रहना, ठीक है? रिमेन या फिर स्टे समवेयर, स्टे समवेयर, एक मिनट रुकिए। स्टे सम वेयर, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29।
कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यू जिसको कहते हैं उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव, तो इसका हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब भी सेम होता है, आपने एवरेज में देखा होगा, फॉलोइंग का मतलब भी, सक्सेडिंग का मतलब भी। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, हीरो का प्लूरल पूछ रहे हैं तो हीरोज हो जाएगा। ओके और क्वेश्चन, एन एक्सीडेंट दैट रिजल्ट्स इन डेथ, इसका ट्रिक बताओ याद करने का, फैटल वैसे होता है, क्या होता है इसका आपका फैटल। ओके मान लीजिए कोई गिर गया, ठीक है, बाइक से कोई स्टंट बाजी करा था, गिर गया उसका सर फट गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं फैटल। डेंजरस होता है, खतरनाक, टेरिबल भी खतरनाक, इंजोरियस होता है जिससे हमें चोट लग सकती है। कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन फॉर्म होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, इसको हटा के ION लगाना इसको कहते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट, ठीक है, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंडर, हिंडर का मतलब होता है सिनोनिम बोले तो ऑब्स्ट्रक्ट, ओके, और अगर ऑब्स्ट्रक्ट ठीक है, और एंटोनिम बोले तो हेल्प करना, किसी के काम में बाधा डालना मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी काम में मदद करना मतलब हेल्प करना, ठीक है। चलिए, असिस्ट करना भी इसका एक सिनोनिम है, और सॉरी एंटोनिम है। इसका प्लूरल फॉर्म होगा कमांडर्स इन चीफ होगा, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ होगा, जैसे कि आपका मदर्स इन लॉ हो जाता है ना, बिकॉज जो ये लॉ है ना ये एक ही होता है, चीफ एक ही होता है, लेकिन कमांडर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ, ज़्यादातर बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग लॉज को समझ के ठीक कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो इधर आएगा, लॉ अकेला ही रहेगा, ठीक है, हमेशा अकेला रहेगा, या फिर जो भी उसकी पोस्ट है, जैसे कि बहुत कई तरह की होती है, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। मूव का जो है नाउन फॉर्म, नाउन फॉर्म क्या होगा, मूव का वो हो जाएगा मूवमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे डेफिनेशन, सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और इसको जो है शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना, शेयर कर देना ताकि इसको रीच भी मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कराया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर देना, PDF भी जो है आपको वहीं मिलेगी। अब बाकी हम कल मिलते हैं, प्रैक्टिस हार्ड करिए, बहुत कम दिन है आपके पास, जितना प्रैक्टिस 24 तारीख वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, जितना हार्ड प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो आज आपको सिर्फ शाम तक रहना है, शाम के बाद फ्री हो जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज आपका कल पेपर ही है, तो आप शाम तक प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फ्री हो जाइए, बिकॉज फ्री माइंड से रहेंगे, थोड़ा घूमिए टहलिए, बाहर घूमिए, है ना, बाहर घूम के आइए, थोड़ा सा मजे करिए शाम के बाद, लेकिन जब शाम को मतलब पूरा प्रॉपर पढ़ाई करके एकदम लगे कि हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं लगे कि नहीं ठीक है तब भी छोड़ देना, बिकॉज अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो जो भी आपको आता होगा आप वो भी भूल जाओगे। तब तक के लिए कल मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।